बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो नया टॉपिक है एपीआई या नेम ऑफ टारगेट डिजीज, ठीक है, हेल्थ फॉर सेमेस्टर के लिए है। व्हाट इज एपीआई एंड व्हाट इज नेम ऑफ टारगेट डिजीज, ठीक है। एपीआई हमारे साथ एक्सपेंडिंग प्रोग्राम एमलाइजेशन है, आप लोगों ने पब्लिक हेल्थ में पढ़ा है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में। तो आप लोगों का जो हेल्थ का पेपर है, पेपर बी में, उसमें यह टॉपिक आया है कि नेम ऑफ टारगेट डिजीज क्या है, कौन से है, ठीक है। तो हमारे साथ जो कॉमन टारगेट डिजीज है एपीआई में, वो हमारे साथ क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, पर्टोसिस, टेटनस, पोलियोमायलाइटिस है, मीजल। ये हमारे साथ सिक्स डिजीज है, टारगेटेड डिजीज, ठीक है, जो एपीआई में मेंशन है, ठीक है। हमारे साथ इसका हमारे साथ वैक्सीनेशन शेड्यूल किस तरह है, ठीक है, किस तरह ये वैक्सीन आप लोगों ने लगाना है, मतलब किस एज में और कितने डोज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, एज जो बच्चा है इसका एज कितना, वैक्सीनेशन टू बी गिवन किस तरह देना है, डोज कितना देना है, और रूट कौन सी रूट पे देना है, औरल देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, सबकुटीनियस देना है, किस तरह देना है, ठीक है। तो एडवर्ट हम क्या देते हैं, बीसीजी एंड ओपीवी हम देते हैं, ठीक है, कितने डोज में। ये बीसीजी है हमारे साथ क्या है, 0.05 ml हम किस तरह देते हैं, इंट्रा डेल्टाइड, राइट डेल्टाइड में हम लगाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे साथ जो ओपीवी है, ओपीवी 0.2 ड्रॉप औरल देते हैं, ठीक है। पोलियो का जो हमारे साथ औरल पोलियो वैक्सीन है, वो किस तरह देते हैं, थ्रू औरल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सिक्स वीक में हम फिर डीपीटी ओपीवी 1 एंड एचबीवी 1, डीपीटी 1 ओपीवी 1 एंड एचबीवी 1 हम किस तरह देते हैं, डीपीटी के लिए 0.5 ml है, ठीक है, और ओपीवी 1 2 ड्रॉप्स 0.5 ml के लिए इंट्रामस्कुलर है, और जो ओपीवी है, देखो जब भी ओपीवी आ जाए, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो औरल देना होगा, ठीक है। तो देखो औरल हो गया, 2 ड्रॉप्स औरल देना है, और HBV1 जो हमारे साथ 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ 10 वीक में हम किस तरह देते हैं, ठीक है, 10 वीक्स में यही डीपीटी है, लेकिन 2 हो गया, देखो पहले 1 था अभी 2 हो गया, ठीक है, और यही ओपीवी 1 था अभी क्या है, 2, HBV1 अभी क्या है, HBV2, ठीक है, वही सेम डोज है, 0.5 ml 2 ड्रॉप्स एंड 0.5 ml, और वही रूट है इंट्रामस्कुलर रूट, ओपीवी जो है हमारे साथ औरल रूट है, एंड दूसरा जो HBV1 है वो क्या है, इंट्रामस्कुलर, बिल्कुल सेम टू सेम है, डोज क्या है, डोज भी सेम है और रूट भी सेम है, इन तीनों का 6 वीक एंड 10 वीक एंड 14 वीक। वही डीपीटी 2 है, अभी क्या है, डीपीटी 3 हो गया, ठीक है, ओपीवी 1 ओपीवी 2 अभी क्या है, ओपीवी 3 हो गया, HBV1, HBV2, HBV3 हो गया, सेम टू सेम डोज है जो ऊपर है, और सेम टू सेम क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सोच ले इस चीज पे। आगे हमारे साथ 9 मंथ में, 9 मंथ में हमारे साथ कहे ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, कि 9 मंथ में हमने के कौन से डिजीज का वो देना है वैक्सीन, तो मीजल का देना है, ठीक है, 0.5 ml सबकुटीनियस हम देते हैं, ठीक है, याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। 15 मंथ में हमारे साथ एमएमआर, मीजल मम्स रूबेला, 0.5 ml एंड सबकुटीनियस, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे साथ 18 मंथ में डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, 0.5 ml 2 ड्रॉप्स, वही इंट्रामस्कुलर एंड ऑरल, ठीक है, ऑरल ओपीवी जब भी आ जाए, ऑरल पोलियो वैक्सीन ये हम थ्रू ऑरल देते हैं, ठीक है। 5 ईयर में डीटी बूस्टर एंड ओपीवी बूस्टर, 0.5 ml 2 ड्रॉप्स, वही वो है डोज है, वही क्या है हमारे साथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। 10 ईयर में हमारे साथ टीडी बूस्टर एंड डोज 0.5 ml है, और क्या है, इंट्रामस्कुलर है। तो ये हो गया हमारे साथ एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर जो है टारगेट डिजीज जो है सिक्स, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और आगे हमारे साथ जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, थोड़ा आप लोग सोच लें इस पर, इतना मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, थैंक यू आज के लिए।